जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। आई एम मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3, बूलियन लॉजिक। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट लॉजिकल फंक्शन और कंपाउंड स्टेटमेंट। लॉजिकल ऑपरेटर्स, थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और एंड नॉट, ओके। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट गेट, बेसिक लॉजिक गेट, एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, दैट इज इन्वर्टर, दैट इज नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू एड बाइनरी एडिशन, बाइनरी नंबर्स, कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। इन दैट टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट ASCII कोड, ISCII कोड एंड यूनिकोड, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज बूलियन लॉजिक, ओके। सो so if illogic problems are binary decisions and binary boolean logic effectively deals with these binary values, thus it is called switching algebra, okay। to yahan pe hum log discuss karne ja rahe hain binary valued quantities kya hota hai, right, binary valued quantities, theek hai। every day we have to make okay, our logical decision। हमें अपने logical, हम daily basis पे क्या करते हैं, logical decision को create करते हैं। जैसे should I carry the book or not, ठीक है, हमें book को ले जाना चाहिए या नहीं, तो ये क्या है, logical decision है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। should I use calculator or not, हमें क्या calculator use करना चाहिए, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। should I मिस टीवी प्रोग्राम और नॉट, क्या हमें टीवी प्रोग्राम को मिस करना चाहिए नहीं, तो ये जितने भी डिसीजंस हैं, देयरफॉर ईच ऑफ द अबव मेंशनड इन बाइनरी डिसीजंस, बाइनरी डिसीजन मेकिंग आल्सो अप्लाइज टू फॉर्मल लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जवाब इसका जो भी होगा आंसर यस या नो के अंदर आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बाइनरी वैल्यूज क्वांटिटीज कहा जाता है, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, ठीक है, ओके। और बाइनरी डिसीजंस क्या होते हैं, बाइनरी डिसीजंस द डिसीजन व्हिच इनटू आइदर एस, या तो ट्रू हो और नो फॉल्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड ए बाइनरी डिसीजन, ठीक है। बाइनरी डिसीजन का मतलब है, बाइनरी मतलब दो, ठीक है, इसका मतलब डिसीजन जिसका रिजल्ट जो है दो हो सकता है, मतलब या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, राइट। वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स को जो कहा जाता है वैल्यू को, उसको ट्रूथ वैल्यूज कहा जाता है उसके लिए, राइट। बूलियन वेरिएबल्स कैन हैव वैल्यू आइदर एज 1, 2, आर एंड 0। बूलियन वेरिएबल्स जो हो सकते हैं, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 होता है, ठीक है। तो बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे है कि हम डेली बेसिस पे, हम ऐसे दिन भर जो भी टास्क करते हैं उसके, उसमें क्या हो सकता है आंसर उसका यस या नो में हो सकता है, तो उसके लिए हम उसको बाइनरी डिसीजन कहते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो सकता है उसको हम कहते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर बाइनरी डिसीजन बेस्ड पे आएगा, और या तो यस होगा तो यस के लिए हम ट्रू कहेंगे, और अगर नो आएगा तो उसके लिए हम फॉल्स कहेंगे, ठीक है। तो इसको बाइनरी डिसीजन कहा जाता है, और ट्रू और फॉल्स को ट्रूथ वैल्यूज कहा जाता है, राइट। बूलियन वेरिएबल्स कैन हैव वैल्यू आइदर एज 1, ठीक है, बूलियन वेरिएबल की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस, राइट। लॉजिकल फंक्शंस और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। एल्जेब्रिक वेरिएबल्स लाइक ए बी सी और एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है।
जो वेरिएबल्स होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से, मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये फोर बेसिक ऑपरेटर्स हैं आपके मैथमेटिक्स में, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना। इन सब से हम क्या काम करते हैं कि हम वेरिएबल को ऐड करते हैं, राइट, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को के फॉर्म में क्रिएट करने के लिए हम वेरिएबल्स प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, 2 into A प्लस 3 into B माइनस 6 into C इज इक्वल टू 10 into Z अपॉन 2 into Y। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 into A कितना हो जाएगा 2A, राइट, प्लस 3 into B 3B के बराबर हो जाएगा, माइनस 6 into C क्या हो जाएगा, 6C आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 10 into Z दैट इज 10Z और डिवाइड बाई 2 into Y 2Y। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन था हमारा, अब वो सिंप्लीफाई होके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, सो लॉजिक स्टेटमेंट और ट्रूथ फंक्शन आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और एंड नॉट। ठीक है, तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, टू फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट और लॉजिकल फंक्शन। कंपाउंड स्टेटमेंट या लॉजिकल फंक्शन को फॉर्म करने के लिए ये तीन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ही प्रीफर टी नॉट कॉफी, वह मतलब कि चाय पसंद करता है, कॉफी नहीं पसंद करता। ही प्लेज गिटार एंड सी प्लेज सितार, वह गिटार बजाता है एंड वह गिटार सितार बजाती है, राइट। आई वॉच टीवी ऑन संडेज और आई गो फॉर स्विमिंग। यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ही प्रीफर टी, और टी को प्रीफर करता है, कॉफी को प्रीफर नहीं करता। ठीक है, ही प्लेज गिटार, तो इसमें क्या है, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे है कि ये जो है इसमें दो दो चीजें हो रही हैं, कंबाइंड चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो उसको कंबाइन कर दिया, जैसे आप इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं उसी तरह से ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स, जहां हम अलजेब्रिक वेरिएबल्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स तो आपने पढ़ा कि तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज है ट्रुथ टेबल क्या होता है। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल इज ए टेबल व्हिच रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद द ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज। ट्रुथ टेबल क्या होता है, वो एक प्रकार का ऐसा टेबल होता है जो लॉजिकल वेरिएबल या स्टेटमेंट को कि जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होते हैं अलॉन्ग विद द ऑल पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, जितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं पॉसिबल रिजल्ट के आधार पर, पॉसिबल रिजल्ट के आधार पर, ठीक है, वैल्यू को मतलब क्या किया था, पॉसिबल वैल्यूज फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, जितने पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुल मिला के जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वैल्यूज जो हमारे पास होते हैं उसके कॉम्बिनेशन की जितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है पॉसिबल रिजल्ट के आधार पर, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लॉजिक ट्रुथ टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज एक तो हो गया आपका नॉट ऑपरेटर, दूसरा हो गया और ऑपरेटर, और तीसरा हो गया एंड ऑपरेटर, राइट। तीन टाइप के ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन सिंगल वेरिएबल। पहली बात तो नॉट ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल वेरिएबल पे ऑपरेट होता है, सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म बाय नॉट ऑपरेटर, और जो ऑपरेशन होता है वो नॉट ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म होता है, इस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, एंड द सिंबल वी यूज फॉर इट इज बार,
और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट को हम दिखाने के लिए हम सिंबल के ऊपर क्या करते हैं, बार का यूज करते हैं, एक लाइन ड्रा कर यूज करते हैं, जिसे देखिए यहां पे दिखाया गया एक्स बार। दस एक्स बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, कॉम्प्लीमेंट एक्स बार जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का मतलब उल्टा, ठीक है। एंड वाई जेड बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई जेड, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल बनाया गया, ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स है और दो ही मतलब यहाँ पे कॉलम है, एक एक्स है एक एक्स बार है। तो जब इनपुट जो है, इनपुट जब जीरो लिया गया तो आउटपुट क्या है, वन आया, और जब इनपुट वन लिया गया तो आउटपुट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो नॉट ऑपरेटर केवल सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, सिंगल और नॉट ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसी को कॉम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। और हम नॉट ऑपरेटर में कॉम्प्लीमेंटेशन को दिखाने के लिए सिंबल पर क्या करते हैं, बार का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है और ऑपरेटर, ए सिंगल इम्पोर्टेंट ऑपरेटर इन बूलियन अलजेब्रा इज और ऑपरेटर, ठीक है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑपरेटर है बूलियन अलजेब्रा में, वो क्या है, और ऑपरेटर, व्हिच डिनोट्स ऑपरेशन कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशन एडिशन, जो कि लॉजिकल, जो कि नोट्स ऑपरेशन कॉल्ड, जो कि लॉजिकल एडिशन को बताता है, डिनोट करता है। एंड द सिंबल वी यूज फॉर इट इज प्लस, और इसके लिए सिंबल प्लस का यूज किया जाता है, प्लस सिंबल का यूज किया जाता है। द प्लस सिंबल देयरफॉर डज नॉट हैव द नॉर्मल मीनिंग, प्लस सिंबल का यहाँ पे कोई मतलब जनरल मीनिंग नहीं है, कंटेन करता है, बट इज ए लॉजिकल एडिशन और लॉजिकल और सिंबल, क्या होता है ये, लॉजिकल एडिशन होता है या लॉजिकल और सिंबल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे दो इनपुट है, एक तो जीरो है क्या वन है, ठीक है। अगर दोनों इनपुट जीरो लिए जाते हैं, अगर दोनों इनपुट जीरो लिए जाएंगे तो आउटपुट क्या जाएगा, जीरो आएगा, ठीक है। यानी जीरो प्लस जीरो, देखिए यहाँ पे एक्स वाई और एक्स प्लस वाई तीन कॉलम बने हुए हैं, जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो, ठीक है। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, और वन प्लस वन इज इक्वल टू वन। यानी और ऑपरेटर के केस में अगर दोनों इनपुट अगर जीरो होता है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा, बाकी किसी भी कंडीशन में आउटपुट आपका वन आएगा। तो ये हो गया आर ऑपरेटर, राइट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर परफॉर्म्स एनदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। जो एंड ऑपरेटर होता है, एक दूसरे प्रकार का जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा में करता है, उसको कहते हैं लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन भी कहा जाता है। एंड द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर इज डॉट, और एंड के लिए जो है, एंड ऑपरेशन के लिए जो सिंबल यूज होता है उसको जो है डॉट से यूज किया जाता है। सो दस एक्स डॉट वाई विल बी रीड एज एक्स एंड वाई, एक्स डॉट वाई को एक्स एंड वाई पढ़ा जाता है, राइट। अब हम अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक इनपुट एक्स है और एक इनपुट यहाँ पे वाई है। एक्स डॉट वाई का मतलब हो जाएगा एक्स एंड एक्स, यहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एंड। एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स और वाई तो एक्स प्लस वाई में था और ऑपरेटर में, यहाँ एक्स एंड वाई हो जाएगा। देखिए एक्स और वाई में क्या होता है, जब हम इनपुट दोनों जीरो लेते हैं, जब दोनों इनपुट जीरो लेते हैं तो उसका एक्स डॉट वाई क्या आता है, जीरो आता है। जीरो इंटू वन करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, और वन इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट अगर वन रहेगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर। तो हमने तीनों ऑपरेटर को पढ़ा, एक पढ़ा नॉट ऑपरेटर, एक पढ़ा और ऑपरेटर, और एक पढ़ा एंड ऑपरेटर, राइट। नेक्स्ट आपका है बेसिक लॉजिक गेट्स। तो पहले इसमें पढ़ते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट क्या है, ए गेट इज ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, ठीक है, जो कि
एक या अधिक सिग्नल को मिला के प्रोड्यूस करता है और एक आउटपुट निकलता है उससे, ठीक है। यानी इसमें इनपुट जो है एक या एक से ज्यादा इनपुट होंगे और लेकिन आउटपुट इसका एक आएगा। गेट्स आर डिजिटल, गेट्स जो होता है वो डिजिटल होता है। टू स्टेट, इसको डिजिटल को टू स्टेट कहा जाता है। टू स्टेट क्यों कहा जाता है, या तो जीरो और वन हो, राइट। टू स्टेट डिजिटल सर्किट बिकॉज द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर आइदर लो वोल्टेज डिनोट्स जीरो, लो वोल्टेज को हम जीरो से डिनोट करते हैं और हाई वोल्टेज को हम वन से डिनोट करते हैं, राइट। गेट्स आर ऑफन कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स बिकॉज दे कैन बी एनालाइज विथ लॉजिक, बुलियन लॉजिक। गेट्स को अक्सर क्या कहा जाता है, लॉजिक सर्किट कहा जाता है, क्योंकि वे एनालाइज किए जाते हैं विद द लॉजिक, बुलियन लॉजिक से एनालाइज किया जाता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, इन्वर्टर जो कि नॉट गेट होता है, और गेट और एंड गेट, ठीक है। इन्वर्टर गेट क्या होता है जो कि नॉट गेट, एंड इन्वर्टर गेट इज ए गेट विथ ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल। इन्वर्टर गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट आता है, एक इनपुट सिग्नल दिया जाएगा तो एक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट, जो आउटपुट होता है इनपुट इन्वर्टर गेट में, इन्वर्टर में वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट आता है। अगर हम एक इनपुट देंगे तो हमें जीरो आउटपुट मिलेगा और जीरो देंगे तो वन आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और गेट को डिस्कस करेंगे, एंड गेट को डिस्कस करेंगे, और बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ बुलियन लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, बेसिक थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, प्लीज स्टूडेंट्स मेक ए प्रॉपर नोट्स फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स and ask the doubts in doubt session if you have any, okay, thank you so much.